भारत के संविधान के तहत हम तमाम को इस बात की इजाजत दी गई है कि हम अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट भी डालें और भारत के संविधान और भारत की लोकशाही और जमहूरियत को मजबूत करने के लिए हमको इस बात की इजाजत दी गई है कि हम अपनी एक पसंद की सियासी क्यादत को भी बनाएं, हम अपने एक पसंद के नेता को बनाएं और जब आपकी सियासी क्यादत और नेता बनेगा तभी जाकर आप बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान में जिस बात का जिक्र किया संविधान के प्रियम्बल में जिसमें लिबर्टी आजादी इक्वालिटी मसावात जस्टिस इंसाफ फ्रेटर्निटी भाईचारगी ये चारों चीजें भारत में अगर अकलियतों को हासिल करना है जिसको हिंदी में अल्पसंख्यक कहते हैं तो उन माइनॉरिटीज को अकलियतों को ये बात आज समझने की जरूरत है कि जब तक आप सियासी तौर पर मुतहरिक नहीं होंगे जब तक आप अपनी एक सियासी अहमियत को और अपने वोट की अहमियत को अगर आपको बरकरार रखना है क्योंकि आज उत्तर प्रदेश हो या भारत के बहुत से प्रदेश या रियासतें हो वहां पर भारत की सबसे बड़ी अकलियत मुसलमान है उसके बाद हमारे ईसाई भाई हैं सिख भाई हैं जैन भाई हैं इनकी वोट की कोई अहमियत नहीं रही आज मैं बिल्कुल खुलकर आपसे कह रहा हूं क्योंकि मैं अल्फाज चाप कर बोलना मेरी फितरत में नहीं है मैं खरी खरी और सच्चाई को बयान करना ये मेरा मकसद रहा है और इसीलिए जब मैं इन तल्ख और सच्चाई भरे जुमलों को अदा करता हूं तो बहुत से लोगों को पेट में दर्द शुरू हो जाता है।